वेलकम बैक फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर योर नॉलेज फॉर एवरीवन। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरा GDNT ट्रेनिंग चल रहा है। अभी ये मेरा लास्ट GDNT ट्रेनिंग का चल रहा है। आज जो टॉपिक है वो है रनआउट के ऊपर, सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। तो आइए आज का ये शो शुरू करते हैं सर्कुलर रनआउट से। तो ये सर्कुलर रनआउट का सिंबल इस तरह से होता है। ये डेटम से रिलेटेड होता है लेकिन ये मैक्सिमम मेटल कंडीशन और लीस्ट मेटल कंडीशन से रिलेटेड नहीं होता है। सर्कुलर रनआउट को हम लोग किस तरह से दिखाते हैं GDNT सिंबल में, इस तरह से। ये फीचर कंट्रोल फ्रेम में जो फीचर कंट्रोल फ्रेम का फ्रेम रेफरेंस है वो इसके सेंटर से दिया गया है। सर्कुलर रनआउट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस मतलब उसका कितना टॉलरेंस अलाउ है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, 360 डिग्री पूरा राउंड ऑल अराउंड। जैसे यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल से जानिए, ये ऑल अराउंड 360 डिग्री में कितना अलाउ है टॉलरेंस, ये इसका टॉलरेंस जोन क्या है। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ बीच में, ये है इसका टॉलरेंस जोन। और ये क्या है, डेटम से रिलेटेड है। और इसका डेटम सिंबल क्या है, इसका आउटर डाया, यही इसका डेटम है। यहाँ पर थोड़ा और क्लियर देखिए, ये आउटर डेटम से ये जो देख रहे हैं ये रनआउट का सिंबल है। और 360 डिग्री पर्टिकुलर सिर्फ एक एरिया में, यहाँ से यहाँ शाफ्ट है तो किसी एक एरिया में उसका क्या आ रहा है, ये हम लोग सर्कुलर रनआउट में इसी तरह देख, जैसे यहाँ पर डायलिंग लगा के हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये हम लोग सर्कुलर रनआउट का देखते हैं। या तो आप डायल को मूवमेंट कीजिए या जॉब को मूवमेंट कीजिए, और सिर्फ एक जगह पर हम लोग इसका देखते हैं कि क्या वेरिएशन मेरा डायल में आ रहा है। जो मेरा वेरिएशन डायल में आ रहा है वही है सर्कुलर रनआउट। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं टोटल रनआउट। टोटल रनआउट में क्या है, उसका सिंबल इस तरह से, ये भी डेटम से रिलेटेड है और मैक्सिमम मेटल कंडीशन लीस्ट मेटल यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं है। टोटल रनआउट में क्या है, ये दो तरह के दो तीर का एरो का सिंबल था। इसमें आप सर्कुलर में क्या देखें, यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो था 360 डिग्री में एक ही पॉइंट पर, लेकिन टोटल रनआउट में क्या है, टोटल पूरे शाफ्ट में हम उसको चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें पूरे थ्रू शाफ्ट को हम चेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक उसका क्या रनआउट है, क्या पोजीशन मतलब क्या चेंजिंग आया है। इसको देखने का क्या तरीका है, थ्रू आउट हम लोग शाफ्ट में देखेंगे डायलिंग करके। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं जॉब घूम रहा और डायलिंग करके हम पूरा थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं कि उसका क्या वेरिएशन आ रहा है डायल में। जो भी उसका वेरिएशन आ रहा है वो है उसका टोटल रनआउट। तो दोनों ही सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट क्या है, सिलेंड्रिकल जॉब के ऊपर होता है, यानी जो सर्कुलर में है इसी में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर दबाइएगा, और कहीं पर अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।